गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, नमस्ते। आज हम हमारा हिंदी का दूसरा लेसन एक जगत एक लोक के बारे में अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पूरे संसार में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, बराबर। यूनाइटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, गुजराती में कहिए तो आपने विविधता में एकता, एटले आपणो बिन सांप्रदायिक राष्ट्र है, बराबर। तो इस हमारे बिन सांप्रदायिक राष्ट्र में हर तरह के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या है? एक मानवता। तो इस कविता में भी हम यही सीखेंगे कि एक जगत एक लोक, पूरा विश्व यानी वसुदेव कुटुम्बकम हमारी भारतीय संस्कृति की प्रणाली है, बराबर। वसुदेव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है, बराबर। तो आज हम ऐसे ही यूनाइटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता के दर्शन कैसे होते हैं, ये इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे, बराबर। तो चलो देखते हैं। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, ये पूरा विश्व क्या है? एक जगत, वसुदेव कुटुम्बकम यानी सारा विश्व एक परिवार है। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, बधानु एक ज सरखू जगत है, बराबर। भगवान ने जे बड़ी सृष्टि रचना करी है ते बधा माटे सरखी करी है। जुओ, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, यानी जो हम चंद्र देख रहे हैं वो दूसरे धर्म को भी वही दिखेगा, बराबर। दूसरे देश वाले वासियों के लिए भी एक ही चंद्र है, एक ही सूर्य है, एक ही भूमि है, एक ही आसमान है। जिस भूमि पे हम रह रहे हैं, बराबर, हमारा निवास स्थान इस भूमि पे है, तो सबका निवास स्थान के लिए भी यही भूमि है, बराबर। पूरे ब्रह्मांड में हमारी अर्थ यानी हमारी पृथ्वी ऐसी है जिसपे सजीव वसवास कर सकते हैं, बराबर। तो जितने सजीव है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बराबर, भारत के हो, अमेरिका के हो, कनाडा के हो, कोई भी देशवासी हो, सबके लिए एक ही चंद्र है, एक ही सूर्य है, एक ही भूमि है, और ये नीला आसमान भी सबके लिए एक ही है। एक तेज एक हवा एक ही है पानी, जो सूर्य का प्रकाश हमें मिल रहा है बाकी लोगों को भी यही मिलेगा। एक हवा यानी हमारे प्राणवायु, हमारी ऑक्सीजन ले रहे हैं, बराबर। तो सबके लिए समान ऑक्सीजन है, बराबर। ये जो हवा चल रही है वो भी सबके लिए समान है, वो कभी भेदभाव नहीं रखती, तो हमें भी आपस में कभी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये हमारी कविता का मर्म है, बराबर। इससे यह भाव प्रकट होता है। देखिए, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जो हम पानी पीते हैं, बराबर, डटी में से जो पानी निकल रहा है वो भी सबके लिए समान है। जो सूर्य का प्रकाश है वो भी सबके लिए समान है। जो हमें हवा मिल रही है, हमारा जो प्राणवायु है, वो भी सबके लिए समान है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी, ये पूरा जीवन हमारा एक समान कभी व्यतीत नहीं होता, बराबर, कभी सुख तो कभी दुख। तो जीवन है सुख दुख की कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, सबके लिए भगवान ने समान रचनाएं की है, हमारे मनुष्य देह की भी समान रचनाएं की है। सबको जीवन में सुख दुख तो आता ही रहेगा, बराबर, किसी का भी जीवन एक समान व्यतीत नहीं होता। एक देह यानी हमारा शरीर, हमारा तन, बराबर, ये जो हमारा पार्थिव देह है उसे हम क्या कहते हैं? शरीर। एक देह एक रक्त, रक्त यानी हमारा खून, हमारे खून ब्लड का रंग एक ही है, बराबर, क्या कौन सा है? लाल, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ तक कि कोई भी जानवरों का रंग भी एक ही है, बराबर, खून सबका एक ही है। या तो इस पंक्ति से क्या कहते हैं कवि? एक देह एक रक्त एक अस्थि, अस्थि यानी हमारा जो अंकल, हमारा शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, बराबर, वो। एक प्राण, हमारे अंदर जो जीवन शक्ति है, जो चैतन्य आत्मा स्वरूप है, वो भी सब में समान है। तो कवि क्या कहते हैं कि सबके लिए एक समान सूर्य है, एक समान चंद्र है, एक समान आसमान है, एक समान धरती है, सबका एक समान शरीर है, बराबर, सबको सचेतन प्राण भी सब में एक ही है। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, यानी हम सुख में, जैसे हम हर्ष भरे राग सुहाने गाते हैं, सुख में हम खुश हो जाते हैं, दुख में हम दुखी हो जाते हैं, समता और ममता के गीत तराने, हम सब एक समान है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई तवंगर नहीं है, बराबर, कोई ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, कोई ज़्यादा गरीब नहीं है, हम सब यहाँ पर कैसे है? समान है। ये पृथ्वी पर भगवान हम सबको समानता की नज़र से देखता है, बराबर। चलो आगे देखते हैं। घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, हम सब समान है, यही गीत हम घर घर में गूंज रहा है, घर घर में गूंज रहा निष्दिन, निष्दिन यानी दिवस और रात, यह मधुर गान समानता का जो भाव है हमारे
विश्व में, बराबर, वो भारत में ज्यादातर दिखेंगे। भारत में कौन सी प्रणाली है? वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। ये समता का भाव हम निष्दिन गाते हैं। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, हमारा राष्ट्र, बराबर, वही उसके प्रति निष्ठावान होना, वही हमारे लिए कर्म है। हम चाहे कोई भी धर्म पाले, लेकिन हमारा राष्ट्र कौन सा है, यानी भारत, हमारा देश, उसके लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? देश भावना होनी चाहिए, बराबर, राष्ट्र भक्ति होनी चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म, हमारा हमारा धर्म कौन सा है? एक तो हम सबके साथ रहकर प्रगति करेंगे, सबको समान न्याय देंगे, मानवता, बराबर। मानवता किसे कहते हैं? सबको समान नज़र से देखना, बराबर, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, गरीब पैसे वालों का कोई भेद नहीं, यह है धर्म हमारा। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, हिलमिल के लहराए, यानी हम सब समानता की नज़र से हम आपस में क्या करें, प्रेम भाव रखें, बराबर, दया भाव रखें, एक दूसरे के प्रति सहभागी बने, एक दूसरे को काम आए, बराबर। विश्व शांति का यह निशान, विश्व शांति का यह निशान, विश्व शांति का यह निशान कैसे बना, बराबर, हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन हमें एक दूसरे के प्रति क्या रखना है, राष्ट्र प्रेम, एक दूसरे के प्रति सद्भाव, प्रेम भाव, दया भाव, ये सब हमें रखना है। तो ये पूरा काव्य हमारा किस पे, किस सब्जेक्ट पे है, इसका मर्म क्या है, कि हम चाहे कोई भी हो, हम भगवान ने हमारी रचना क्या की है, सही तरह से समानता से की है, कि हमारे पास चंद्र भी एक है, सूर्य भी एक है, भूमि भी एक है, आसमान भी एक है, ये सब भगवान ने हमारे लिए एक समान बनाया है। तो हमें आपस में सहभागिता से रहना चाहिए और एक दूसरे के प्रति प्रेम निष्ठा से रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति भेदभाव रखना नहीं चाहिए। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको एक जगत एक लोक काव्य में पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको इसकी एक PDF फाइल सेंड करूँगा, उसकी क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिख कर मुझे वापस होमवर्क के तौर पर भेजना है। अस्तु।